हेलो वेलकम एवरीबॉडी, तरुण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ अपनी गाड़ी को बड़े स्मार्टली, केयरफुली और कंफर्टेबली आप ड्राइव कर रहे हो। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और वीडियो, जिसमें मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लॉन्ग ड्राइव में, यानी कि जब हम लंबे रूट पे जाते हैं, तब टाटा नेक्सन में हमारा कम्फर्ट लेवल कैसा रहता है। मैं आपसे एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूँ। लॉन्ग रूट से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप 50-60 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। मिनिमम लॉन्ग रूट का मतलब होता है कि 100-150 किलोमीटर की एटलीस्ट वन वे की जर्नी हो, एटलीस्ट मिनिमम। उसके ऊपर की भी लोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट वन वे तो एटलीस्ट आपका 100 किलोमीटर का हो तो शायद हम कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर हम गए, रोड ट्रिप पर हम गए हैं। अगर आप 40-50 किलोमीटर का ड्राइव कर आ रहे हो, यानी कि 40 या 50 जाना, 40 या 50 आना, तो मेरे हिसाब से, देखो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से वो एक लॉन्ग ड्राइव नहीं होगी। आप आमतौर पे यार, आप इंडिया में कहीं पे भी एक कोने से दूसरे कोने पे आप जाओगे तो 40-50 किलोमीटर तो आपकी यूं हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बट इट्स ओके, तो आप समझ गए मेरा पैरामीटर ये है कि मिनिमम 100 किलोमीटर तो चले हो वन वे का, तो उसमें टाटा नेक्सन का हमारा कंफर्ट लेवल कैसा आ जाता है। सबसे पहली बात मैं स्टार्टिंग करूंगा इसके नेगेटिव पॉइंट से, और उसके बाद मैं प्लस पॉइंट पे आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि जो मेरे पास कार है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये गाड़ी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल से है, और XM वेरिएंट है मेरे पास पेट्रोल में। मैं अब तक इसको 23,000 से ऊपर किलोमीटर चला चुका हूं, जिसमें मुझे गाड़ी 18 की एवरेज देती है। मेरी पिछली वीडियो, यानी कि जस्ट इससे पहले वाली जो वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पर जाके चेक करोगे तो वहां मैंने बता रखा है कि मुझे 18 की एवरेज दे रही है। और कुछ टाइम पहले, मैं किसी एक इवेंट पे गया था, तो वहाँ पे मुझे जो एक्सप्रेस वे है या दिल्ली के आउटस्कर्ट पे, जो हरियाणा यूपी को कनेक्ट करता है, जिसको हम लोकली KMP बोलते हैं, नहीं तो उसका टेक्निकल नाम एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो वहाँ पे मेरा लमसम 100 किलोमीटर का वन वे था, तो KMP पे जाना था, एक्सप्रेस वे पे जाना आना था, तो मेरी एवरेज 19.3 पे आ गई थी। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बट हालांकि अब दोबारा से गिर गया, मेरी इस समय 17.8 पे है। बट क्योंकि आप सामने समय मेरा रूट देख रहे हो, मेरी ट्रैवलिंग आमतौर पे इसी रूट पे, ऐसे रूट पे होती है जहाँ ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता, रेड लाइट नहीं होती, तो एवरेज मेरी अच्छी निकाल लेती है गाड़ी। तो ये तो है मेरी गाड़ी के बारे में। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग रूट में मुझे क्या चीज गाड़ी में अच्छी नहीं लगती। एक बात है, क्योंकि मेरे पास XM वेरिएंट है, तो मेरे पास वो एक्सप्रेस कूल वाला फीचर नहीं है जो टाटा नेक्सन के अपर वेरिएंट में मिलता है, जिसकी वजह से गर्मी में स्पेसिफिकली मुझे एटलीस्ट, मतलब जब मुझे अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसके मिनिमम 5 या 6 मिनट पहले मुझे गाड़ी को जाके स्टार्ट करना है, AC चलाना है, और जो हम आमतौर पर नॉर्मली करते हैं, वो थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिव पे लेके जाऊंगा। क्योंकि आप सब समझते हो यार, 5-6 मिनट जाके, मतलब हमारा काम यही हो जाता है कि हमें गाड़ी को जाकर ठंडा करना है। तो ये मेरे हिसाब से एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि कूलिंग अच्छी नहीं कर पाता। मैं अपने वेरिएंट को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, अपर वेरिएंट को मैं नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि जिसमें उससे पीछे भी AC वेंट आते हैं, एक्सप्रेस कूलिंग का भी ऑप्शन आ जाता है, तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे वेरिएंट को अपर वेरिएंट से कंपेयर मत करिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेकंड आ जाता है इसके अंदर हॉर्न, इसका गाड़ी का हॉर्न, टाटा नेक्सन का हॉर्न, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा वीक सा है गाड़ी के लुक्स के हिसाब से, तो हमें खुद फील नहीं होता कि दूसरे वाले को हॉर्न की इम्पोर्टेंस पता है या नहीं पता है। आमतौर पर तो देखो, हॉर्न हमें तभी बजाना चाहिए when there is absolute need of it। आमतौर पे 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 करके क्यों खुद भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी करना, वो स्टूपिडिटी है मेरे अकॉर्डिंगली। आप अपना नॉर्मली चलाओ, हॉर्न की तभी रिक्वायरमेंट होती है जब थोड़ा इमरजेंसी होती है, या फंस रहे हैं, या कोई दूसरा इंसान अपनी गाड़ी लेन चेंज कर रहा है बिना नोट करे आपकी, उसके लेफ्ट में राइट में हो, इन सर्टेन सिचुएशन आप हॉर्न को डेफिनेटली यूज करो। बट अगेन नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा ना भाई। तो इसका नेक्सन का हॉर्न जो है अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाइट वीक। थोड़ा सा अगर वो स्ट्रांग हो जाए, जैसे क्रेटा का है, क्रेटा का हॉर्न बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वैसा तो हॉर्न हो जाएगा फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आफ्टर मार्केट आप उसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, आफ्टर मार्केट हो जाएगा वो।
अभी बाय डिफॉल्ट जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है हम तो उसी के ऊपर अभी बात करेंगे। तो ये दो बातें मेन है जो मुझे फील होता है कि टाटा नेक्सन के एक नेगेटिव पॉइंट्स में काउंट होती है। तीसरा आ जाता है अगेन क्योंकि वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर नहीं है, एंड चाहे आपका फैब्रिक का कपड़ा हो, जैसे आप देख रहे हो मेरी गाड़ी में मैंने जो टाटा नेक्सन से फैब्रिक आया था तो उसी पे ही है, मैंने सीट कवर चेंज नहीं कराया और मैं कराऊंगा भी, मुझे ये फैब्रिक वाला कपड़ा काफी पसंद है और मेरे अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल यही रहता है। आप लेदर का चेंज कराओगे उस पर निक्कर में पहन के तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, बहुत पसीना आता है, चिपक जाएगी टांगे आपकी, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। फैब्रिक में एटलीस्ट वो वाली बात नहीं होती। तो इसका सीट बहुत अच्छी लगती है मेरे को, सीट कवर अच्छे हैं, बस वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन हो तो मजा आ जाए। हाउएवर सन 2022, अभी जैसे 22 चल रहा है, अप्रैल का महीना, सॉरी मई का महीना शुरू हो गया अब तो फिलहाल, तो इसमें अभी रिसेंटली जो वेरिएंट लॉन्च करा है टाटा नेक्सन का उसमें वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है इन लोगों ने, तो आई गेस अगेन वो अपर वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा, छोटे वेरिएंट में तो शायद वो नहीं आएगा। तो ये है मेरे पास जो 2020 का मॉडल है, मैं तो उसको लेके आपसे बातचीत कर सकता हूँ। ये वो बातें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी सी नेगेटिव है, बट अगेन देखो मैंने अब तक कोई राइड क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करी क्योंकि वहां पर कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो वहीं से अब मेरा पॉजिटिव पॉइंट शुरू हो जाता है। गाड़ी में कंफर्ट एक नंबर का है, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, इस सेगमेंट में जितनी भी कार्स हैं इसके राइवल में आप सभी जानते हैं, आप हर सीट में बैठ के देखिए, फ्रंट पे भी और पीछे भी, सबसे ज्यादा कंफर्ट एक प्रीमियम फील जिसमें आता है तो वो टाटा नेक्सन में मुझे फील होता है कि है। उसके बाद आपका राइड क्वालिटी, आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं तो आपको फील होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं या फिर एक मजबूत कार चला रहे हैं, ऐसी कोई हल्की कार नहीं है कि छोड़ दिया तो गाड़ी लेफ्ट राइट घूम जाएगी या स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट राइट घूम जाएगा, ऐसा कोई इसमें बात होती नहीं है। दूसरी चीज एवरेज, अगली चीज मतलब एवरेज की आ जाती है, इसकी एवरेज बहुत बढ़िया है, काफी शानदार एवरेज है इसकी, मुझे बहुत पसंद। देखिए मुझे एवरेज अच्छी दे रही है क्योंकि मेरा रूट ऐसा है, आप लोग देख ही रहे हो इतनी देर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अब तक आपने रूट मेरा समझ लिया है, मेरी 50-60 की एवरेज स्पीड है, मेरी एक आधी बार बीच में गाड़ी का स्टॉप हुआ है, तो एवरेज तो अच्छी होनी ही है, तो मेरे लिए यहाँ पर अगेन इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि हम लाइक एसी की अगर बात करते हैं, एक बार अगर इसका एसी पॉइंट हवा पकड़ ले कि गाड़ी को ठंडा कर दे, फिर बहुत ज्यादा ठंडा करता है इसका एसी, एक्चुअल में एसी बहुत अच्छा है। इसके कैबिन के अंदर जो बाहर का जो साउंड है वो उतना नहीं आता, अंदर आपको ऐसा है कि आप लाउड स्पीड पे भी आराम से बातें कर सकते हो, कि होता ना कभी कभार आप समझते हो क्योंकि जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं तो अंदर हमें आवाज नहीं आती एक दूसरे की, हमें थोड़ा लाउड बात करनी पड़ती है, इसमें वो वाली बात नहीं आती। बाहर का देखो आप 100-120 पे अपनी गाड़ी चलाओगे अगर किसी एक्सप्रेस वे पे, तब तो बाय डिफॉल्ट यार बाहर का शोर तो अंदर आएगा, हवा का प्रेशर तो अंदर आता है, बट मैं 60-70 की अगर बात करूं, जैसे इस समय आपसे बात, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं और मैंने कोई माइक्रोफोन का यूज नहीं कर रखा है, नॉर्मल जो फोन के स्पीकर है मैं उसमें रख के इसको बना रहा हूं, और आप मेरी आवाज को आराम से सुन भी पा रहे हो, बाहर का शोर भी आपको हल्का फुल्का सुनाई दे रहा है, तो अगेन उतना ही शोर मुझे हल्का फुल्का आ रहा है, बाहर से इतना लाउड शोर नहीं आता अंदर। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप टाटा नेक्सन, और दूसरी चीज जैसे इसमें तीन मोड दे रखे हैं, ड्राइव मोड, सॉरी इको मोड है, सिटी मोड है और स्पोर्ट्स मोड है, ये तीन ड्राइविंग ऑप्शंस आते हैं आपको, इन तीनों में आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो एज पर द सिचुएशन। आपके पास अभी लॉन्ग रूट है तो उसको इको पे रखो, अगर आप सिटी पे आ जाते हो तो आप अपना सिटी पे उसको रख सकते हो ताकि फटाफट अपनी गाड़ी को निकाल सको, और अगर आप जैसे हम इसको पहाड़ों पे ले जाते हैं, कहीं इस तरह के ले जाते हैं ऑफ रोड एक्सपीरियंस में इसको लेके जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में रखो, स्पोर्ट्स में तो ये गाड़ी चीता बन जाती है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत फास्ट हो जाती है स्पोर्ट्स मोड में तो ये, तो वो तो तभी यूज करना जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो, वरना इसको सिटी या इको में ही चलाना। मैं तो इसको इको में चलाता हूँ आमतौर पर, सिटी में बड़ा कम चलाता हूँ मैं इसको, और स्पोर्ट्स पे तो तभी चलाता हूँ जब कोई ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस होता है मेरा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे लॉन्ग रूट में टाटा नेक्सन बहुत कंफर्टेबल है। मेरे पास देखिए दो गाड़ियां हैं, एक मेरे पास ट्राइबर है, एक टाटा नेक्सन है, मेरी काफी सारी वीडियोस ट्राइबर को लेके भी है जहां मैंने बताया है कि ट्राइबर के साथ मेरा कैसे एक्सपीरियंस है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास नेक्सन है तो मैं नेक्सन के साथ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आजकल नेक्सन चला रहा हूँ।
तो नेक्सन में मुझे बहुत कंफर्ट आता है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, बहुत कंफर्टेबल है, सीट्स बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी फील होती है, आप बैठते हो तो एक रोड प्रेजेंस आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी एक ऊंचाई में मैं बैठा हूँ तो मेरी विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है इससे, तो वो वाले सारे इसमें प्लस ऑप्शंस आ जाते हैं। मोर और लेस अगर आप टाटा नेक्सन लेने की सोच रहे हो, जैसे कि इस समय आप देख ही रहे हो ये सेगमेंट में इस समय सबसे ज्यादा बिक रही है, टॉप फाइव में रहती है हर महीने पिछले कई महीनों से, और कॉम्पैक्ट एसयूवी में तो दूर दूर तक इसके कोई इस समय कॉम्पिटिशन में नहीं है, 12,000, 13,000 ये वाले तो सेल्स फिगर हैं टाटा नेक्सन के आजकल। तो आप टेस्ट ड्राइव लो, अपना खुद का टेस्ट ड्राइव लो, जो भी वेरिएंट आप लेना चाहते हो लो, सारे वेरिएंट इसके अच्छे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप सारे वेरिएंट अच्छे हैं। वो बस एक्सेसरीज की बात आ जाती है, कुछ फैसिलिटीज की बात आ जाती है जो अपर वेरिएंट में बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, जैसे एक्सप्रेस कूल का मैंने बोला, पीछे वाली सीट पे एसी के वेंट्स मैंने बोला, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। तो आप अपनी टाटा नेक्सन का टेस्ट ड्राइव करो, बाय श्योर करो, बिल्कुल करना भी चाहिए आपको, और पसंद आए तो बिल्कुल लेना। मेरी मानो तो टाटा नेक्सन एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, मेरे पास है सिर्फ वही एक रीजन नहीं है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास है तो मैं तो बोलूंगा आप लोग लो, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि भाई गाड़ी में मजा नहीं आया तो मैं बिल्कुल ये बात थोक के बोलता आप लोगों से कि भाई मैं तो फंस गया, आपस फंसना, बट वो वाली बात नहीं है। हम सिटीज में मोस्टली रहते हैं और आप सिटी का ट्रैफिक समझते हो, अपना ट्रैवल का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हो, एक बजट है आपके माइंड में कि भाई मेरे पास 10-15 लाख का बजट है तो उस बजट में मुझे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है। आपको पता है कि जब बजट मेरा छोटा है तो मुझे कोई पावरफुल कार नहीं मिलेगी, लाइक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रहा हूँ, एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। जब लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी तो कुछ फीचर्स होंगे ना भाई जो मिसिंग होंगे इसमें, तो बजट को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल चॉइस है, मुझे बहुत पसंद है। आप टेस्ट ड्राइव लो, इसको चलाओ, और आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों के पास भी टाटा नेक्सन है, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है टाटा नेक्सन का, वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। बाकी अगली जो वीडियो रहेगी मेरी मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा रिगार्डिंग माई न्यू एक्सपीरियंस टाटा नेक्सन। तब तक अपना प्लीज ध्यान रखें और अपनी गाड़ी को बड़े स्मार्टली, केयरफुली और कंफर्टेबली चलाएं, भगाने की एज सच कोई जरूरत ना रखे अंटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, कंफर्टेबल होके चलाएं, मजा आएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक प्लीज ध्यान रखें अपना। ओके, बाय बाय।